मांगता है क्या इज अ वेरी यूनिक सॉन्ग टू रीमेक. एक डांस स्लैश आरएनबी वाइब हमने देने की कोशिश की है. हेलो आदित्य, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी. हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? I am good, thank you. And there's a lot of buzz on the song. और लोगों को टीजर बहुत पसंद आया है, लोग बहुत पसंद आया गाने का. कितनी एक्साइटमेंट है? Thank you so much. बहुत एक्साइटमेंट है. Of course, you know we are all 90s kids, so हमारे लिए ये it's a fanboy moment. ये हमें the living legend A.R. Rahman sir के गाने को रिक्रिएट करने का मौका मिला है. एंड बहुत अच्छी टीम है हमारी यहाँ पे कुछ पे, तो हमारे कॉरन सर यू नो इज एट द हेम ऑफ अफेयर्स. ही डन अ वंडरफुल जॉब. गणेश आचार्य जी हिमसेल्फ अ लिविंग लेजेंड, जिन्होंने डायरेक्ट कोरियोग्राफ किया है. चिरंतन भट्ट का म्यूजिक है, मनोज यादव ने गाना लिखा है और दीक्षा ने गाया है. एंड पलक तिवारी और आदित्य सिंह पे ये पिक्चराइज किया गया है. एंड एक छोटी सी इसमें स्टोरी भी है अबाउट यू नो यंग लव ओवर द इयर्स. एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग इसे पसंद करें, बहुत सारा प्यार दें. राइट, आपके लिए कितना रिफ्रेशिंग एंड कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप रंगीला के पार्ट भी रहे हैं, तो कितना नॉस्टैल्जिक मोमेंट था कि यू नो उसी का गाना रिक्रिएट करना. जी बिल्कुल, बहुत ही it's a very very nostalgic moment for me, kyunki in fact jab main pehli baar A.R. Rahman sir ke studio gaya tha rangila record karne ke liye, to jab main unke studio mein enter kar raha tha to wo mangta hai ki aap kaam kar rahe the. Wow, it's actually the first song that I heard when I entered Rahman sir's studio. Aur of course jaisa ki aapne bataya ki you know to be associated with the original as well as the remake, it's a great feeling. अच्छी बात है कि लोग तब भी मुझे पसंद करते थे और काम दे रहे थे, और आज भी पसंद कर रहे हैं और काम दे रहे हैं. एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये गाना ऑलरेडी लोगों को इतना पसंद है और यू नो इट्स एच्ड इन आवर मेमोरीज. तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वी आर आल्सो प्रेजेंटिंग द सॉन्ग टू अ न्यू ऑडियंस, क्योंकि 1995 को हो गए 27 साल. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में, दुनिया में, जिनको जिन्होंने शायद ओरिजिनल नहीं सुनाया है, जिनमें से हमारी जो हीरोइन है पलक तिवारी वो भी हो सकती है, क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ था 95. या ट्रू. लेकिन मुझे बताइए, यू नो रिमिक्स के साथ या रिक्रिएटेड म्यूजिक के साथ हमेशा कंपैरिजंस बहुत होता है, एंड स्पेशली यहाँ पर तो द मैटर इज यू नो लिविंग लेजेंड ने A.R. Rahman सर ने ये कंपोज किया है, तो कंपैरिजंस बहुत सारे होंगे जैसे हमेशा रिमिक्स के साथ होता है. कोई नर्वसनेस एंशियसनेस उस जोन में? हमने अपना बेस्ट दिया है और विजयलक्ष्मी जी आई थिंक more than first an artist first, हमने इस प्रोजेक्ट को एज फैंस अप्रोच किया है. यू नो वी आर ऑल फैंस ऑफ A.R. Rahman सर, वी आर ऑल फैंस ऑफ द ओरिजिनल साउंडट्रैक ऑफ रंगीला हो या वो फिल्म हो, एक कल्ट फिल्म है रंगीला. और ऑफ कोर्स एक रिस्पांसिबिलिटी है और यू नो बट आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट हमको इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचना चाहिए. एंड वी फोकस ऑन द म्यूजिक, वी फोकस ऑन द वीडियो. और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को ये गाना जरूर पसंद आएगा और ये इंस्पिरेशन जरूर पसंद आएगा. एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस हमारी माय बाप है, सो द फाइनल वर्डिक्ट इज ऑलवेज अप टू द ऑडियंस. एंड आई होप कि मुझे अच्छा लगे. यू नो हम तो आपको टीवी पे देखते ही रहते हैं, आप म्यूजिक के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं अपने यू नो जो आपका फर्स्ट पैशन है उसके साथ आप कभी भी दूरी नहीं मेंटेन करते हैं. आपके आप सिंगल्स कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं डिस्पाइट बिजी ऑन टीवी. पर ये कितना अलग एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, क्योंकि एक ऐसा गाना जो जैसे आपने बोला हम 90s किड्स रहे हैं, हम ये सब गाने सुनकर देखकर बड़े हुए हैं, आपके लिए कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा उस गाने को रिक्रिएट करना, गाना गाना? जी विजयलक्ष्मी जी, क्या है कि यू नो इससे पहले भी मुझे कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा बट ऑनेस्टली मुझे कुछ रिमिक्स के ऑफर्स आए थे, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उस रीमेक
की एग्जिस्टेंस से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. यू नो इम्पैक्ट सिर्फ तब पड़ेगा व्हेन यू हैव समथिंग न्यू टू से. तो अगर आप उसी गाने को कट कॉपी पेस्ट करके फिर कुछ डैचू बीट्स डाल देंगे तो वो समझ में आता है. और जो ज्यादातर रीमेक्स के साथ होता है तो यू नो हमारे लिए यही कोशिश थी कि यू नो ओरिजिनल की आत्मा को रिटेन करते हुए हम एक नया टेक दें. मांगता है क्या के? और ऑफ कोर्स मांगता है क्या इज अ वेरी यूनिक सॉन्ग टू रीमेक, क्योंकि इवन जो ओरिजिनल मांगता है क्या है वो क्विंटेसेंशियली इट इज नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड म्यूजिक. Exactly. रहमान सर भी of course, you know, he's been so experimental with his music. Yeah. और वो हमेशा उन्होंने fearlessly अपने music को approach किया है. तो हमारी कोशिश यही थी कि उसी fearlessness के साथ हम इस गाने को approach करें. और you know, एक dance/R&B vibe हमने देने की कोशिश की है इस गाने को. और even visually we tried to keep it very young. जो म्यूजिक वीडियो में भी कहानी है इट्स ऑफ अ लव स्टोरी जो स्कूल से शुरू होती है यू नो कॉलेज में डेवलप होती है और कॉलेज के कुछ एक आध साल बाद देयर इज अ कंप्लीशन टू इट. तो वी गिवन इट आवर बेस्ट और बहुत अच्छी टीम है हमारी यहाँ पे. सारे बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा काम किया है. और मैं यही मानता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए. बट एक सर्टेन कैटेगरी भी है सेक्शन ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिशियंस यू नो कंपोजर्स जो हमेशा रिमिक्स को बहुत पॉजिटिवली नहीं देखते. उनको ऐसा लगता है कि काफी बार गाने की बर्बादी हो जाती है. व्हाट डू यू हैव टू से व्हाट इज योर पर्सनल टेक ऑन यू नो आइकॉनिक सॉन्ग्स गेटिंग रिमिक्स. I mean, देखिए क्या है कि I will be very honest with Lakshmi ji. It's a double-edged sword. क्योंकि हम हमेशा लोगों को वो देना चाहते हैं जो लोग चाहते हैं. हालांकि आप कमेंट सेक्शन में हमेशा देखेंगे रीमेक्स के लोग कहते हैं कि नहीं हमें ओरिजिनल सुनने हैं. लेकिन जब एक रीमेक रिलीज होता है तो उसकी जो लिसनरशिप है या जो व्यूअरशिप है वो एक ओरिजिनल से 3-4 गुना ज्यादा होती है. तो कहीं ना कहीं जो बातें की जा रही हैं वो जो नंबर्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स एज अ रिकॉर्ड लेबल और एज एन आर्टिस्ट हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे गाने को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें उसे सुने. और एक ओरिजिनल गाना जब रीमेक किया जाता है तो ऑफ कोर्स उसकी रिकॉल वैल्यू होती है. पर मुझे ऐसा लगता है कि हर ओरिजिनल गाने के साथ अगर आप किसी भी तरह की ट्वीकिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत संभल के करना चाहिए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं यही चाहूंगा कि इस गाने के जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं जैसे रहमान सर हैं, महबूब जी हैं, या इस फिल्म के मेकर हैं रामगोपाल वर्मा जी, आई होप कि वो इस गाने को सुने. और अगर उन्हें ये जो हमने उन्हें एक सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट दिया है अगर उन्हें पसंद आता है तो आई थिंक वी हैव डन अ जॉब. Before wrapping up, Aditya, what are the next things, you know, future things that you want to do? Plans, agar bole to. Abhi dekhi, mangta hai kya suniye? Kal hamara naya show shuru ho raha hai, Sony pe, Superstar Singer, usko dekhiye. Mera album release ho raha hai, is saal, usko suniye. Mere do film ke bhi gaane aa rahe hain, agle mahine, usko bhi suniye. Aur meri non-film album aa rahi hai. वो देखिए. और आईडी कार्ला सीजन आ रहा है वो भी देखिए. और फिर बाकी 2023 का प्लान आपको मैं दिसंबर तक बता दूंगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच आदित्य. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर मांगता है क्या. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके बाय.